देवी रविष्टयापोभवन्तु पीतये संयो रविष्ट्रवन्तु नः। हिंदुओं की ताकत कितनी बढ़ रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन हुआ और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन हुआ। सबसे बड़ी बात और जो हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है वो ये है कि हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ हुई है। अब तक अमेरिका में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका में एक हिंदू पर शिखर सम्मेलन रखा गया और जिसकी शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ हुई है। क्या कुछ पूरा मामला आइए समझते हैं। दरअसल अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि हिंदू अमेरिकियों के पास अगला राष्ट्रपति चुनने की ताकत है, यानी कि अमेरिका में हिंदुओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो हिंदू राष्ट्रपति चुन सकते हैं अमेरिका में। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले इस बड़े सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिच ने कहा कि भारत एक विशाल और महान देश है। इस कार्यक्रम का आयोजन 20 हिंदू संस्थाओं के सहयोग से कराया गया। रिपब्लिकन कांग्रेसी रिच मैककॉर्मिक जॉर्जिया के 6 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिच ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमेरिका में हिंदू प्रवासियों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इन लोगों ने अमेरिका को जोड़े रखा है। इस समुदाय ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया है। आप अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने की क्षमता रखते हैं। मैं ये बात सिर्फ नहीं कह रहा हूँ बल्कि मुझे लगता है कि आप लोगों में वो क्षमता है। एक बार आप सही नेताओं से तालमेल करेंगे तो आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा। आप अमेरिका के लिए कानून लिखेंगे जो हमारे देश को कई दशकों तक तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। अमेरिकन हिंदू के प्रमुख डॉक्टर रमेश जापरा ने इस कार्यक्रम में कहा कि हमारे समुदाय ने अमेरिका में बहुत काम किया है, फिर भी हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमें लगता है कि अमेरिका के हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। इस सम्मेलन के जरिए हम सभी हिंदू संस्थाओं को एक साथ लाना चाहते हैं। हमारे हिंदू मूल्य पूरी तरह से अमेरिकी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। वो भगवद गीता से संबंध रखते हैं, इसलिए हम हिंदू अमेरिकियों को एक आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। जापरा हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजक थे। उन्होंने कहा कि अब तक का पहला शिखर सम्मेलन है जिसे हम राजनीतिक जुड़ाव के लिए आयोजित कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार ने अमेरिकी कांग्रेस में एक हिंदू कॉकस बनाने की योजना की घोषणा की जो समान विचारधारा वाले सांसदों को एक मंच पर लाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश में हिंदुओं के खिलाफ कोई नफरत और कट्टरता ना हो। मिशिगन के 13वें जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले थानेदार ने पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया। फिलहाल क्या आपको लगता है कि अमेरिका में हिंदुओं के साथ कोई दुराचार होता है या हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है? अगर आपको लगता है या फिर जो भी इस खबर पर आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जाकर जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस खबर का मुख्य बिंदु था कि अमेरिका में जो हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन रखा गया, क्या उससे कुछ बदलाव आएगा अमेरिका में, उस पर भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।